टीवी और फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस लता सबरवाल को लेकर एक बुरी खबर आ रही है। लता ने लोगों से उनके लिए दुआएं करने की अपील की है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अपनी शानदार एक्टिंग से लता ने घर घर में पहचान बनाई। तो वहीं फिल्म विवाह में लता ने शाहिद कपूर की भाभी का शानदार किरदार निभाया, लेकिन अब लता को एक ऐसी गंभीर बीमारी हुई है कि वो कुछ दिनों में अपनी आवाज भी खो सकती है। लता सबरवाल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और अपने तमाम चाहने वालों को ये जानकारी दी कि उनके गले में गांठ बन गई है और अगर इसका इलाज समय रहते नहीं किया गया तो वो अपनी आवाज खो सकती हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे गले के आसपास गांठें बन गई हैं, इसकी वजह से मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, मैं भी डॉक्टर के पास आई हुई हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे गले में गांठें हो गई हैं, जिसे ठीक करने के लिए मुझे पूरे एक हफ्ता तक रेस्ट करना होगा, मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए हैं क्योंकि इसका यही एकमात्र इलाज है, ये काफी सीरियस इशू है, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है, मैं डरी हुई हूँ। लता की इस पोस्ट पर सैकड़ों फैंस कमेंट रहे हैं, लोग लता के लिए दुआएं कर रहे हैं। लता साल 1999 के पहले से टीवी और फिल्मों में एक्टिव रही हैं, लेकिन उन्हें असली पहचान ये रिश्ता क्या कहलाता सीरियल से मिली। लता अब तक 25 से ज्यादा सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। वहीं हाल ही में लता कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में भी नजर आई थी। फिलहाल लता जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं।